सर आपसे सवाल है, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, क्या लाए, क्या लाए कंबल फुटपाथ पर बैठे जीवन के लिए, क्या लाए, क्या लाए किताबें मासूम बचपन के लिए, क्या लाए सुरक्षा कोमल कलियों के लिए, क्या लाए रोटी भूखे अन्न दाताओं के लिए, क्या 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 अच्छे दिनों ने जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बेटा। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं बताना चाहता हूँ, कि हमारे देश के गरीब भाइयों और बहनों को, 4 करोड़ 10 लाख गरीब भाइयों और बहनों को इस हिंदुस्तान के अंदर पक्के मकान देने का काम हमारी सरकार ने किया। इसमें से 44 लाख मकान बनाकर देने का काम हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में किया है और अकेले इंदौर शहर के अंदर 12,000 मकान पक्के बनाकर देने का काम किया है। देश के इस बहन ने देश के अन्नदाताओं के लिए सवाल पूछा, मैं देश के अन्नदाताओं के लिए भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सुपर फास्फेट हो, डीएपी हो या यूरिया हो, सब पे 90% से अधिक सब्सिडी देने का काम किया है हमारी सरकार ने। 12 करोड़ से अधिक, फिर से सुन लीजिए, 12 करोड़ से अधिक किसान भाइयों और बहनों को किसान सम्मान निधि अगर पहली बार किसी ने देना प्रारंभ किया तो हमारी सरकार ने देना प्रारंभ किया है। किसान भाइयों और बहनों के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी सरकार ने। मेरा सवाल भाई साहब से है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों इंदौर जैसी सीट पर आपका कोई भी बड़ा नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या आप अपनी जमानत बचा पाएंगे। और मेरा तीसरा प्रश्न है, यदि अगर आप जीतते हैं तो दिल्ली में आपका नेता कौन होगा, क्या इसका निर्णय भी आप कर पाए? जवाब दीजिए। शुरू करता हूँ आपकी पहली बात से। आपने मुझसे पूछा कि इंदौर में कोई नेता नहीं था बड़ा, तो आपको खड़ा करा। अरे ये बच्चा यहाँ खड़ा है डिबेट करने के लिए नेशनल टीवी पे और हमारा सांसद गायब है। ये मेरी ताकत है। दूसरी बात रही बात जीतने की, तो इंदौर की आवाज उठाने वाला आदमी चाहिए जो आपके यहाँ पर आपका सांसद है। आपको पता है पिछले साल 5 साल में आपके सांसद ने कितने सवाल पूछे? 194 और इंदौर को लेके एक सवाल पूछा है, इंदौर को लेके सिर्फ एक सवाल। क्या लापता सांसद और लापता विकास ये काम करना चाहता है? और रही बात नेता की, कांग्रेस पार्टी का खड़गे साहब हमारे अध्यक्ष हैं आज, वो हमारे नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे जब तक वो है। अब एक दो सवाल मैं सांसद जी से पूछना चाहूंगी कि भाजपा कहती है कि हम भारत से कांग्रेस को मुक्त कर देंगे, और जब कांग्रेस के जो लोग हैं जब भाजपा में जाते हैं तो जब कांग्रेस में जब रहते हैं तब तो वो बहुत उनकी तब बुराइयां करते हैं, जब इनके पास जाते हैं तो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? और दूसरा ये कहते हैं 400 सीटें चाहिए, पर तो ये बताएं भाजपा भारत से बेरोजगारी कब दूर करेगी, रोजगार कब देगी, महिलाओं की सुरक्षा कब करेगी, ये नहीं कहते। आप सत्ता में है तो आप काम करिए, सिर्फ 400 सीट दे दो, 400 पर इनको बताओ भैया रोजगार मांगो, महिलाओं की सुरक्षा मांगो, बहुत सारी चीज है। अब पूरी भाजपा कांग्रेस युक्त तो हो चुकी है, इनके पास जितने भी, जब इनके सीएम आते हैं तो इधर तुलसी सिलावट जी कांग्रेस के, इधर हमारे संजय शुक्ला जी, सबको लेके खड़े। इनको इनको शर्म आनी चाहिए कि इनको कब पद मिलेंगे, इनको अब आप लोग बोले कांग्रेस छोड़ के सब बीजेपी में क्यों आए? इंदौर में 9 विधानसभा है, 9 ही बीजेपी के पास है और 30 साल से तो जो आएगा उसको लेना अच्छा है क्या? वो वहाँ से त्रस्त हो क्या है? पर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब से 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही है इन्होंने महिला के लिए क्या करा? मोदी जी ने 33% की बात करी तो आज आप 50% की बात कर रहे हैं। 70 साल से कहाँ थे? 370 क्यों नहीं हटा पाए? राम मंदिर जिसकी हम राम जी की पूजा करते हैं, नवरोमी को जन्मदिन मनाते हैं, उनको 500 साल आपने कोर्ट में अटका के रखा, मेरे प्रश्न का जवाब दिया, ये तो आपको अधिकार ही नहीं है। आप लोगों से ज्यादा गुस्सा में तो जनता है। यहाँ पर 2 पत्रकार भी हमारे साथ है, वरिष्ठ एक बार खड़े हो जाए। आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी अपने परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाएगी या परिस्थिति बदलती दिख रही है? अंजना जी, पिछले चुनाव में 29 में से 28 सीटें बीजेपी को मिली थी, इस बार एक सीट पर चुनाव नहीं हो रहा, बैतूल में 28 पर चुनाव हो रहा है, लेकिन मुश्किल है
28 में से 27 सीटें बीजेपी को मिले मुझे मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है, वजह क्या है? वजह यह कि इंदौर में एक वनडे मैच हुआ था तो एक खिलाड़ी ने एक ओवर में 36 रन बनाए थे। हर बार हर ओवर में 36 रन नहीं बनते। रिपीट नहीं होगा इसलिए आप कह रहे हैं? तो 14-19 में कैसे? नहीं, लॉजिक क्या आपका? लॉजिक ये है कि इस बार कम से कम 7 से 8 सीटों पर कांग्रेस बहुत ताकत से लड़ रही है और बीजेपी को बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लग रहा है कि पिछले चुनाव का जो परिदृश्य था लगभग उसके आसपास मध्य प्रदेश का परिदृश्य रहने वाला। सीटों की संख्या में कुछ बदलाव हो सकता है लेकिन कितना इधर से? मुझे लगता है 2-3 सीटों में बदलाव हो सकता है। 3 सीटें कांग्रेस जीत, 2-3 सीटें जीत सकती। मेरा वजह मुझे लग रहा है 2-3 चीजें। एक तो वोटिंग का जो ट्रेंड सामने आया पहले चरण के मतदान के बाद वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के लिए नुकसानदायक है, पहले चरण का जो वोटिंग का ट्रेंड आया। दूसरा, आने वाले समय में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है लगातार लोग जो है, और तीसरा इंदौर में से कुछ असर पड़ रहा है इन पे, जोश देखिए। नहीं, यहाँ तो बिल्कुल, यहाँ तो जोश वही है लेकिन मतदान में तो दिखा ना, वोटिंग में दिखा, हर जगह वोटिंग में दिखा जी, पीएमपी तमाम जगहों पर। कुछ और फर्स्ट टाइम वोटर्स आ पाए? हेलो सर, हमें मतलब मैं भी इस बार फर्स्ट टाइम ही वोट करने वाला हूँ, पर मेरा सवाल सीधा मतलब आपसे भी है और आप अगर आपके पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे भी है। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आपकी पार्टी हर बार एक सनातनी विरोधी क्यों रही है? आपकी पार्टी हमेशा हमेशा एक सनातनी विरोधी रही है। आपकी पार्टी क्यों मतलब अगर अनुच्छेद 370 हटाने की बात हुई थी तो आपके क्यों युवा नेता बोलते हैं कि अगर हम आए तो अनुच्छेद 370 वापस लगवा देंगे? नमस्कार सभी से। पहली बात तो मैं ये सबको बोलना चाहता हूँ कि हर बार सिर्फ मोदी सरकार, जय श्री राम। आप कौन सी पार्टी से पहले बता दीजिए? भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष। भीम आर्मी, हाँ जी। हमारे लिए तो दोनों ही पार्टी एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। 70 सालों से हमें इन्होंने 70 सालों से स्लो पॉइजन की तरह खत्म किया है और ये फास्ट पॉइजन की तरह खत्म कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारा आरक्षण खत्म किया गया, हमारे साथ अत्याचार हुए तो ना तो हमारे साथ कांग्रेस खड़ी हुई है ना बीजेपी खड़ी हुई है। और बात रही राजतिलक की, तो लोकतांत्रिक देश में हम राजतिलक किसी का भी नहीं होने देंगे। जनता वोट चुनेगी क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। जो यहाँ दहाड़ रहा है, जो युवा है, जो शिक्षित है, वो अपनी सूझबूझ से अपनी समझ से कि उसकी सरकार कौन डाले। फर्स्ट टाइम मैम, मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। तो हम देश विदेश की बात करने से अच्छे, हम जब युवा बात करते हैं अपने रोजगार की तो ये लोग मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान की बात करते हैं। लेकिन मेरा इनसे मुद्दा है एक मध्य प्रदेश रिलेटेड। जो पहले हमारे मुख्यमंत्री थे, तो जो आज हमारे जो डॉक्टर मोहन था पहले, वो शिक्षा मंत्री थे, तो वो भी शिक्षा मंत्री थे, लेकिन आज भी शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, जो एमपीपीएससी का जो रिजल्ट है, दो दो तीन तीन साल लग जाते हैं, वो रिजल्ट समय पर क्यों नहीं आते हैं? हमेशा रोजगार की भर्तियों को ये लोग करते हैं। मेरा एक और सवाल है आपसे कि मेरा एक सवाल अक्षय गांधी बम सर से भी कि सर, आप अभी कांग्रेस की टिकट पर आए, सब आप पर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे कौन से कारण थे कि आपने फ्री में पानी के टैंकर दिए इंदौर के लोगों को? हमें भी फ्री में पानी का टैंकर मिला। ऐसे कौन से कारण थे कि आपने फ्री में पानी के टैंकर दिए? जब इंदौर में बाढ़ आई तो आपने फ्री में खाना वितरण करा, तो ऐसे क्या क्या कारण थे कि जिसमें आप सब तो बड़े दिल से जुड़े दिख रहे हो एकदम। मेरा एक बहुत बेसिक सवाल है, किसी ने भी यहाँ स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं की। 20 साल पहले हमारा प्रदेश जो था वो एक बीमारू प्रदेश की गिनती में आता था, और आज मेरा बस एक ही सवाल है कि भाजपा सरकार ने कम से कम हमको आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य जन योजना, कांग्रेस ने हमको क्या दिया है आज? एक बार आइए, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं लेकिन ठीक है, पूछिए। नहीं नहीं, हटा क्यों रहे हो, डरते क्यों? हाँ, और क्या खुल के। इंदौर में शंकर लालवानी जी आज कहाँ गए हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक नहीं बना पाए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सिर्फ नाम है और डोमेस्टिक फ्लाइट उतर रही है, दुबई के अलावा कोई फ्लाइट नहीं है। क्यों इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं? इतना बड़ा शहर, 6 बार से 7 बार से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन स्वच्छता की अगर गलियों में बात करोगे आप तो गंदगी आज वहीं के वहीं है, केवल कागजों पर हो रहा है। आपका शहर तो बार बार जीत रहा है ये स्वच्छता, कागजों में जीत रहा है केवल, असली कॉलोनी में जाकर देखो आप क्या स्थिति है। दो तीन सवाल, मैं आ रही हूँ, रुक जाइए, दो तीन एक्चुअली मैं भी मेडिकल पर्सन हूँ, मेडिकल फैकल्टी हूँ। एक्चुअली जो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल है और जो एमपीएमएससी जबलपुर यूनिवर्सिटी है, अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूँ, पैरामेडिकल फील्ड की बात करूँ,
उसके लास्ट 5 ईयर से 4 से 5 बेस के एग्जाम्स नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से न स्कॉलरशिप आई है, छात्रों का भविष्य अंधकार में। सेल्फी हो गई सती ने। मोदी जी 2014 के पहले रख लो दादा, एक मिनट पकड़ना। अरे बना, अरे मैडम 2014 के पहले मोदी जी बोले कि हर मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा, वो झूठा वादा। कुछ महिलाएं जो यहाँ पर है उनका लीजिए। अंजना मैम पिछले 20 सालों से यहाँ पर 3 इंजन की सरकार चल रही है, लोकल, सेंटर और स्टेट में, पर फिर भी इंदौर में नशाखोरी बूम पर है, बहुत नशाखोरी है। मुझे आज पूछना है बीजेपी से कि इंदौर इतना कैसे खत्म हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है मैम 9.1% की रेट से, पर इंदौर में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब बस 2 आखिरी के सवाल इधर से लेते हैं, जल्दी से 2 आखिरी के सवाल मेरा कांग्रेस पार्टी से एक सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्यों विरोध कर रहे हैं, जब ये चीज संविधान में दी हुई है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, ये एक हमारा नीति निर्देशक तत्व है। हाँ, आएगा तो मोदी, हर हर मोदी, अब की बार 400 बार। लीजिए नारा ही लगा रहे आप लोग, नारा लगा रहे। जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क, दो लाइन में, क्यों जनता फिर बीजेपी में भरोसा करे? एक हिंट तो दे देते कि कितनी सीटें आएंगी, जल्दी से। देखिए आपकी बार अंजना जी, आपकी बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास। सबसे पहले बता देते हैं कि कांग्रेस ही सनातनी है। एक मिनट, कांग्रेस सनातनी है। राम लल्ला के द्वार राजीव गांधी जी ने खुलवाए और राम मंदिर के लिए जमीन नरसिम्हा राव जी ने एक्वायर करी है, तो हम सनातनी है।